जय दोस्तों, मैं सिंचर क्लास में आपका स्वागत है। तो अगले दिन जो है हम लोग पढ़े थे किसी भी संख्या के अभाज्य भाजकों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि 500 एवं 1200 के बीच 16 से कटने वाले कुल की संख्या है, 1563 से 1563 एवं 2023 के बीच 20 से कटने वाले कुल की संख्या है, 1200 से लेकर 1800 तक 16 से कटने वाले कुल की संख्या है, 1400 से लेकर 1600 तक 20 से कटने वाले कुल कितनी संख्या है। तो ऐसे प्रश्नों को आज हम लोग यह देखेंगे और सॉल्व करेंगे। और ये जो है आपका नंबर सिस्टम का 9वां वीडियो जाता है, 10वां वीडियो है नंबर सिस्टम का, ये 10वां वीडियो आपके जो है YouTube पर जो है देखने को मिल जाएगा। ओके, तो चलिए, जब भी इस तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा तो तब बोलेगा, तक तो पीछे से माइनस कर देना है। और अगर बीच तो बोले बीच तो तक तो पीछे बीच तो आगे से एक माइनस कर देना है। अब देखिए यहाँ जो पहला क्वेश्चन क्या है, 500 से लेकर 1200 के बीच 16 से कटने वाले कुल कितनी संख्या है। तो 500 से लेकर 1200 के बीच 16 से कटने वाले कुल कितनी संख्या है, तो दोनों में 16 से डिवाइड कर दीजिए। और बीच बोल रहा है, बीच बोलेगा तो आगे से एक माइनस करना, तब बोलेगा तो पीछे से एक माइनस करना, और बीच में जब फॉर्मूला होता है बीच में माइनस डालना। अब देखिए 16 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये जो है 16 16 का 16 माइनस ये हमने 1200 में से एक घट गया था, कितना गया 1199, 16 से भाग देने के कितना होगा, 16 सत्ते 112 और उसके बाद हो गया यहाँ कितना बच गया 7, तो 79 में 16 बचे 80 और 16 चौके 64। अब देखिए 21 में से इतना को घटा दीजिए, तो 4 में से गया तो 3, 7 में से 3 गया तो 4, यहाँ पर माइनस नहीं देखना, ये नहीं सोचना कि 21 में से 74 घट गया तो माइनस में लगेगा, नहीं, बल्कि ये जो है हमको निकालना है 500 से 1200 के बीच 16 से कटने वाले कुल कितनी संख्या है, तो वो संख्या है हमारा 43। ओके, अब देखिए 1563 से लेकर 2023 के बीच 1563 से लेकर 2023 के बीच 20 से कटने वाले कुल कितनी संख्या है, दोनों में 20 से डिवाइड देते हैं, और बीच बोलना है, बीच बोलेगा तो आगे से एक माइनस बोलते हैं, आगे से एक माइनस कर देते हैं, और तक बोलता है पीछे से एक माइनस कर देते हैं, और बीच में जो है माइनस, ये जो फॉर्मूला और माइनस करता है। अब देखिए 20 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 सत्ते 140 और उसके बाद 140 हो गया तो यहाँ कितना बचा 16 हो गया, यानी कि 163, और 20 सत्ते 160 माइनस, फिर 20 से इसमें भाग कर दीजिए कितना हो जाएगा, 2022 हो जाएगा, और 20 से इसमें भाग कर दीजिए कितना हो जाएगा, 20 दाएंगे 200 हो गया, 2 बचा 20 का 20 हो गया, यानी कि यह कितना हो गया, 78 में से इतना घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 7 गया तो 2, यानी 1563 से लेकर 2023 के बीच कितनी संख्या है जो 20 से कटेगी, 23 संख्या है जो 20 से कटेगी। ओके, अब देखिए बीच वाला तो बना लिया, अब तक वाला बनाते हैं। अगर क्या है तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1200 और 1800 तक, 1200 से लेकर 1800 तक में 16 से कटने वाली कितनी संख्या है, तो 1200 से लेकर 1800 तक बोल रहा है 20 से कटने वाली कितनी संख्या है, तो क्या करते हैं 20 से दोनों में डिवाइड कर देंगे, अब तक बोल रहा है तो पीछे से एक माइनस कर दें और माइनस का फॉर्मूला लगा देते हैं। अब देखिए 20 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1199 हो गया, 20 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो गया, 20 × 5 = 100 बचा, तो 20 × 8 = 160 और 20 × 9 = 180 हो गया, तो 9 बार गलत किया, अब 20 से इसमें डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया और यहाँ हो गया 90, यानी कि 59 - 90 हो गया, 90 में से 59 घटाइए ये हो गया 8 में से 5 गया तो 3, यानी कि जो है यहाँ 1200 से लेकर 1800 के 1800 तक जो है 20 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, 31 है। ओके, अब चलिए अगला क्वेश्चन है, 1400 से लेकर 1600 तक जो है 20 से कटने वाली कुल कितनी संख्या, तब बोला तब बोलेगा तो पीछे से एक माइनस करते हैं, बीच बोलेगा तो आगे से एक माइनस करते हैं, बीच में माइनस
फॉर्मूला वाला माइनस दे देते हैं, इसमें माइनस फॉर्मूला वाला लगा देते हैं। तो देखिए 20 से इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा 1399 हो जाएगा। तो 20 से इसमें डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, कितना बार रहेगा 7 × 14 पिछक 120, यानी कि जो है पिछक 120 हो गया, 19 बचा 199, तो 9 × 18 180 हो गया। अब देखिए उसके बाद 20 से इसमें डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा, ये इससे कट गया 80 बार कट गया 8 × 16। अब देखिए 80 में से इसको घटा दीजिए 10 में से 9 किया तो 1 आई 7 के साथ से किया तो 11, यानी कि 1400 से लेकर 1600 तक 20 से कटने वाले कुल कितनी संख्या हो गया 11 हो गया। ओके तो इस तरह के प्रश्नों को हम ऐसा ही जो है चुटकी में मसल देते हैं शॉर्ट ट्रिक से, और आगे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से जो है सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करते चले जाते हैं। ओके थैंक यू, वीडियो पसंद आए तो ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।